हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव के पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आदर्श कॉपरेटिव सोसाइटी बीते 19 साल से लगातार सहकारी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती आ रही है। देश भर में लाखों लोग किसी न किसी रूप से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इनके परिवार का पालन पोषण इसी संस्था पर आधारित है। करीब 20 लाख परिवारों की आजीविका का माध्यम इस संस्था पर लगाई गई। रोग के चलते अभी परिवार संकट में आ गए हैं। यहाँ दोस्तों, सभी परिवार इस वक्त संकट में आए हुए हैं और सोसाइटी के आंकड़े इस बात का गवाह है कि लोगों को रोजगार देने और समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था उल्लेखनीय रूप से सफल रही है। दुर्भाग्यवश संस्था के अस्तित्व पर परिचालक का बहुत संकट खड़ा हो गया है। लोग भुखमरी के कगार पर हैं। सभी को मिलकर बड़े परिश्रम से संस्था को इस मुकाम पर पहुंचाया कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सहकारिता का नाम रोशन है। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर और आज हमने बड़े सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव निवेशकों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। अभी तक जो निवेशकों ने ही अपने स्तर पर कोशिश की है, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप कर जिसकी कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी ने नहीं ली, हालात इतने बद से बदतर हैं कि दोस्तों ये हालात हमसे दे के नहीं जा रहे हैं। इनको इंसाफ जल्द से जल्द दिलाना हमें पड़ेगा। हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, एक चेतावनी भारत सरकार को दे रहे हैं कि अगर हम चाहें तो 1 करोड़ पीड़ित निवेशकों को सड़क पर उतार सकते हैं, जिसका परिणाम सरकार पर सीधा सीधा पड़ेगा, क्योंकि हम 1 करोड़ निवेशकों को अपने माध्यम से, जी दोस्तों, अपने चैनलों के माध्यम से उसे जोड़ चुके हैं जो सरकार की गलत नीतियों के शिकार हैं और जिनकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। सरकार को हम इनकी परेशानियों को कई बार अपने चैनलों के माध्यम से अवगत करा चुके हैं और अब हमारी सरकार से चेतावनी है कि हमारी बात को हल्के में ना लें, नहीं तो मजबूरन हमको ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है। अतः समय रहते इनको पैसा सरकार अपने पास से दे। जी हाँ दोस्तों, सरकार अपने राजकोष से इनको पैसा दे। प्रॉपर्टी बेचने तक के लंबे प्रोसीजर में निवेशकों को फंसाकर इनको टाइम वेस्ट ना करा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि PSL कंपनी के निवेशकों का 8 साल के बाद पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और वह भी प्रक्रिया ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी में सिर्फ 8 साल के बाद पिछले साल 2,500 रुपए की प्रक्रिया में उलझाया था और अब 5,000 रुपए का प्रोसीजर दिखाकर उनको झुंझुना दिखाया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं निवेशकों के पैसे 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक इसमें निवेश किए हुए हैं। तो दोस्तों, इतने कम पैसे 8 साल के बाद देने का मतलब सीधा सीधा यह है कि सभी निवेशकों का शोषण किया जा रहा है, जिसका परिणाम निवेशकों की आर्थिक जीवन पर भयानक पड़ सकता है और पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2,500 से ज़्यादा निवेशक अब तक सभी कंपनियों के मिलाकर आत्महत्या कर चुके हैं, जिस पर